नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बेंगलोर से अगरतला तक चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बेंगलुरु से अगरतला तक चलने वाली बेंगलुरु अगरतला हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि आज अब जो है नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका ट्रेन नंबर है 12503 और ये जो ट्रेन है SMVT बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से हफ्ते में दो दिन चलती है। हर मंगलवार और शुक्रवार को ये अगरतला की रवाना होती है और बेंगलुरु से अगरतला की जो दूरी है ये 64 घंटे 15 मिनट में कवर करती है और इसके तकरीबन 31 स्टेशन हैं और ये जो ट्रेन है तकरीबन 3520 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर। वेब 7 इंजन है, इसमें LHB कोचेस वाली ट्रेन है, थर्ड AC वाली पूरी ट्रेन है और इसमें इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। अगर रूट मैप के बारे में बात करें तो ये बेंगलुरु से स्टार्ट होती है, बाद में विशाखापट्टनम, फिर उड़ीसा होते हुए ये ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल के थ्रू असम होते हुए ये अगरतला में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें अगरतला हमसफर एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो इसमें सिर्फ थर्ड AC के कोच हैं। तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो SMVT बेंगलुरु से अगरतला तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसमें सिर्फ थर्ड AC के कोच हैं हमसफर एक्सप्रेस में और जिसका टोटल किराया जो है SMVT से बेंगलुरु से अगरतला तक का वो है 3125 रुपये, जिसमें 2891 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 150 रुपये है। टोटल किराया 3125 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। पेंट्री कार के कोच से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यह फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही डायरेक्टली ये फूड जो है परचेज करना होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं SMVT बेंगलुरु अगरतला हमसफर एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। SMVT बेंगलुरु अगरतला एक्सप्रेस ट्रेन जो है SMVT बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 10:15 पर यह एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 31 स्टेशन हैं, 64 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है वाइट फील्ड बेंगलुरु में सुबह 10:41 पर पहुंचती है और 10:42 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। एक मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 13 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। काटपट्टी जंक्शन में ये ट्रेन जो है तमिलनाडु में दोपहर के 1:25 पर पहुंचती है और 1:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 20 मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 220 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में दोपहर के 3:35 पर पहुंचती है और 3:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 345 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद विजयवाड़ा जंक्शन आंध्र प्रदेश में रात के 9:50 पर पहुंचती है और 10 वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 775 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बेंगलुरु अगरतला हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन जो है दुबवाड़ा आंध्र प्रदेश में रात के 3:38 पर पहुंचती है और 3:40 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद SMVT बेंगलुरु अगरतला हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन जो है विशाखापट्टनम जंक्शन आंध्र प्रदेश में पहुंचती है सुबह 4:15 पर और 4:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका इंजन चेंज होता है और इंजन जो है दिशा बदलता है, यानी कि इंजन की जो दिशा है इंजन जो है दोबारा दूसरी दिशा में लगकर चलता है और 20 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 1124 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। विजयनगरम जंक्शन आंध्र प्रदेश में सुबह 5:28 पर पहुंचती है और 5:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 1186 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है VZM। इसके बाद बेंगलुरु अगरतला हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो श्रीकाकुलाकुलम रोड रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में सुबह 6:23 पर पहुंचती है, 6:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 1255 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है CHE। इसके बाद पलासा आंध्र प्रदेश में सुबह 7:35 पर पहुंचती है और 7:37 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है,
1328 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है और ये आंध्र प्रदेश का आखिरी स्टेशन है। इसके बाद ये हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन जो है आंध्र प्रदेश से उड़ीसा में एंटर करती है। उड़ीसा के पहले स्टेशन ब्रह्मपुर में ये ट्रेन जो है सुबह 8:27 पर पहुँचती है और 8:32 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है खुर्दा रोड जंक्शन में सुबह 10:25 पर पहुंचती है और 10:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। सुबह यहाँ पर इसका 15 मिनट का स्टॉप है, 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन उड़ीसा में सुबह 11:05 पर पहुंचती है और 11:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। यहाँ पर संबलपुर पुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। कटक जंक्शन उड़ीसा में सुबह 11:43 पर पहुंचती है और 11:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1596 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है CTC। इसके बाद भद्रक रेलवे स्टेशन उड़ीसा में दोपहर के 1:48 पर पहुँचती है और 1:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1712 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद भद्रक के बाद यह ट्रेन जो है खड़गपुर जंक्शन पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 4:07 पर पहुंचती है और 4:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1891 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और यहाँ पर यह ट्रेन जो है सतरागाछी हजूर साहिब नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। अंडुल रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है शाम के 5:40 पर पहुंचती है और 5:42 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1990 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है ADL। इसके बाद SMVT बेंगलुरु अगरतला हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन जो है धनकुनी जंक्शन पश्चिम बंगाल में शाम के 6:52 पर पहुँचती है, 6:57 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 2009 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है DKAE। इसके बाद SMVT बेंगलुरु अगरतला हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन जो है रामपुर हाट जंक्शन पश्चिम बंगाल में रात के 9:41 पर पहुँचती है और 9:43 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है RPH। इसके बाद मालदा टाउन पश्चिम बंगाल में ट्रेन जो है रात के 12:25 पर पहुंचती है और 12:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 2 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 2325 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है MLDT। मालदा टाउन पश्चिम बंगाल के बाद यह ट्रेन जो है बिहार के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है रात के 2:33 पर पहुँचती है और 2:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 2473 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और किशनगंज में ये ट्रेन जो है डिब्रूगढ़ मुंबई एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में पहुँचती है। न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में SMVT बेंगलुरु अगरतला एक्सप्रेस ट्रेन जो है सुबह 4:25 पर पहुंचती है और 4:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 1A प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और 2551 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल से असम में एंटर करती है। असम के पहले स्टेशन न्यू बंगाईगांव जंक्शन में सुबह 8:50 पर पहुँचती है और 8:52 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1A प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और 2 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद न्यू बंगाई जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है बेंगलुरु से चलकर कामाख्या जंक्शन असम में पहुँचती है दोपहर के 12:15 पर और 12:17 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसके बाद SMVT बेंगलुरु अगरतला हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन जो है कामाख्या के बाद असम के एक और इम्पॉर्टेंट स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है दोपहर के 12:45 पर और 1 बजे वहां से रवाना हो जाती है। 15 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 2960 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है GHY। इसके बाद SMVT बेंगलुरु अगरतला हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन जो है गुवाहाटी से चलकर न्यू हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन असम में पहुंचती है शाम के 6:37 पर और 6:42 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है,
एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 3228 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है। और इसके बाद ये ट्रेन जो है बदरपुर जंक्शन असम में पहुँचती है रात के 9:10 और 9:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 3398 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है, 3298 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद SMET बेंगलुरु अगरतला हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन जो है न्यू करीमगंज असम में पहुँचती है, न्यू करीमगंज जंक्शन असम में रात के 9:50 पर पहुँचती है, 9:52 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। और इसके बाद ये ट्रेन जो है धर्मानगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है रात के 11:13 पर और 11:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 3380 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। अम्बासा रेलवे स्टेशन त्रिपुरा में रात के 12:43 पर पहुँचती है, 12:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। यह त्रिपुरा का स्टेशन है और यहाँ तक की जो दूरी है 3452 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद SMET बेंगलुरु अगरतला हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन अगरतला में रात के 2:30 पर पहुंचती है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो दूरी है 3520 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों, इसी के साथ ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं किसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।